Hello everyone, in this video I want to show you how to find keys from dictionary function in Python. Python में जो dictionary function होता है हमारा, यदि उसमें से हमें key को find करना हो कि कितनी key है, कौन सी key है, उसके लिए क्या program होता है, वो इस video में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक dictionary create करेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, key को find करेंगे कौन सी key है। तो यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पे क्या करूँ, एक डी नाम वेरिएबल लूँगा और उसमें क्या करूँ, dictionary को क्रिएट करूँगा। यहाँ पे जानते हैं dictionary का हमारा जो सिंटैक्स होता है ऐसे ही होता है। उसमें क्या करना, मुझे key और वैल्यू को लिखना होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया सपोज दैट कॉलेज, ठीक है, और यहाँ पे आया मैं यहाँ पे, क्योंकि इसको सेपरेट जो भी किया जाता है, जो की हमारा वैल्यू होती है उसको कॉलन से किया जाता है। और कॉलेज मान लीजिए मैं सब कुछ डाल दिया, IIT जो भी होता है हमारा, ठीक है, IIT दे दिया मान लीजिए, फिर कामा से सेपरेट किया दूसरे हमारा की वैल्यू के लिए। और यहाँ मान लीजिए मैं सब कुछ दे दिया क्या, लोकेशन में दे दिया मान लीजिए, लोकेशन दे दिया मान लीजिए, यहाँ पे आया नीचे और यहाँ से भी इसको भी कॉलन से हमको सेपरेट करना होता है। तो यहाँ पे आया और इसको भी दे दिया सपोज इधर दिल्ली दे दिया, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली दे दिया। फिर इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे अगर इसको फिर सेपरेट करेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए मैं दे दिया इसका जो स्टूडेंट होते हैं हमारे उसमें कितने हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट और यहाँ पर दे दिया मैं इसको सेपरेट करके 6000, ठीक है, यहाँ पर 6000 मैंने दे दिया। हमारा काम क्या होगा, डिक्शनरी हमारा जो है क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर लगाना है कि की फंक्शन का यूज करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, इतनी भी की है मतलब कि कॉलेज, लोकेशन और स्टूडेंट, उसको क्या करना है मुझे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फालू का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आऊँगा मैं फार का प्रयोग करूँगा और यहाँ पे कोई वेरिएबल जैसे ए ले लीजिए और यहाँ पे एन जो इसका होती होता है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको डी और डॉट की का प्रयोग करना पड़ेगा, डी डॉट की, बस हो गया हमारा काम। और यहाँ पर जैसे आप करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और प्रिंट कर देंगे। प्रिंट में क्या करेंगे, हम प्रिंट में आपको करना पड़ेगा जो हमारा ए होगा उसको क्या करना है, प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारा क्या होगा, अभी यहाँ पे जो कोई आप किए हैं तो इसका प्रयोग यहाँ से होता है कि जो लूप का सिंटेक्स होता है यहाँ पे कॉलन का प्रयोग होता है। हमारा काम हो गया, अब मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको रन करूँगा। अभी देखिए हमारा जो भी हमारा की है वो सारा सारा की मिलेगी, देखिए कॉलेज, लोकेशन, स्टूडेंट, इस तरह से क्या कर सकते हैं, कोई भी की को, जितने भी की होते हैं सारे के सारे जो की है उसको आप फाइंड कर सकते हैं सिर्फ किसकी मदद से, डी डॉट की के, मतलब कि जो हमारा की फंक्शन होता है यहाँ पे, की फंक्शन जो है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को गेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।